में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है, जहां अब दोस्त दोस्त ना रहा और बयानबाजी चरम पर है। एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ना हो या कौन किससे बड़ा उस्ताद है, अब ये बताने के लिए 2024 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बेताबी से इंतजार कर रहा है विपक्षी दल की कैसे किसको नीचा दिखाए और कैसे हम राजनीति में आगे बढ़े। और इन्हीं बयानबाजियों के बीच पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है, जिसमें अखिलेश को शेर तो वहीं ओपी राजभर को गीदड़ बताया गया है। ओपी राजभर ने अखिलेश को एसी के कमरे से निकलने की सलाह दी, तो तिलमिलाए अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को झाड़ फूंक कराने की सलाह दे डाली। वहीं बीजेपी ने भी 2024 के लिए कमर कस ली है और चित्रकूट में शिविर कैंप बनाया है, जहां सियासत की सुतलियां सीली जाएंगी। साथ ही आज अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में हार को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अखिलेश यादव किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर देंगे, या विधानसभा की तरह लोकसभा में भी साइकिल पंचर हो जाएगी। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस किस तरह की बयानबाजियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। अगर कोई उछल कूद में बहुत माहिर हो तो स्वाभाविक रूप से वो स्थिर तैर पर कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। ये पहले भाजपा गठबंधन में थे, उसे भी छोड़ा तोड़ा, फिर सपा गठबंधन में आए, उसे भी छोड़ा तोड़ा, बात बसपा में जाने कह रहे थे, बसपा की तरफ से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। तो स्वाभाविक रूप से आज वो स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं, तो उन पर तो हमें तरस आता है कि इतना बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, मनचाहा टिकट दिया, भाजपा गठबंधन से ज्यादा सीटें भी ये जीती, भाजपा गठबंधन में इनके 4 विधायक थे, सपा विधायक में इनके 6 विधायक हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर उन्होंने गठबंधन तोड़ा है तो उन्हें मुबारक। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूंक होती ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। ये बौखलाहट, ये हताशा, ये निराशा श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पर बखूबी नजर आ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर तबकों को आगे उठाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जिन लोगों ने कभी ये सपना नहीं देखा होगा कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। ऐसे लोगों को विधायक बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, ये साफ हो गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश में समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, अब इनको मजबूत साथी कोई नहीं मिल रहा है, इस नाते बौखला करके तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तो साहब लंगोटे सिलने को दी हैं, काफी महंगी सिल रही हैं भैया। देखो वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे, है कब? समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। तो आपने सुना किस तरह से बयानबाजियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां सपा अब अपनी हार को लेकर समीक्षा बैठक करती हुई भी नजर आ रही है। आजमगढ़ और रामपुर में हुई हार के लिए समीक्षा बैठक करी, मंत्र दिए अपने विधायकों को, अपने नेताओं को सपा ने, तो वहीं बीजेपी भी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और भाजपा की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।
जहां शिविर केंद्र का आयोजन किया गया चित्रकूट में भाजपा की तरफ से, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन जो विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा था, जहां कुछ महीने पहले सपा और सुभाषपा एक साथ थे और अब दोनों अलग हो चुके हैं, और अब इनके बीच जिस तरह से बयानबाजियां हुई हैं, मनमुटाव देखने को मिल रहा है, बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, उसके बाद अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गीदड़ बताया जा रहा है, शेर बताया जा रहा है, और इस तरीके से पोस्टर वॉर भी आप देख सकते हैं। अब जो टक्कर है सपा और सुभाषपा की, वो एकदम आमने सामने की है। अब देखना ये होगा कि ओपी राजभर किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि हर तरफ से उनको नो एंट्री का बोर्ड ही मिल रहा है। जहां सपा से अलग होने के बाद बसपा की तरफ जाने की बात कही जा रही थी, तो अब ये बात भी सामने आ गई है कि बसपा में भी उनकी नो एंट्री है, वहां से भी उन्हें नकार दिया गया है। और इसी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुभाष यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़ चुके हैं, भाजपा से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से, अतीक खान जी सुभाषपा से जुड़ चुके हैं, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे, जिस तरह से 2024 की तैयारी चल रही है, क्या लगता है विपक्ष आपस में ही लड़ भिड़ रहा है, क्या एक बार फिर जीत सुनिश्चित मान रहे हैं अपनी? देखिए शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच रहने वाली पार्टी है और जनता के सुख दुख में शामिल रहने वाली पार्टी है। हमारे नेता ना विश्राम लेते हैं, ना हम लोग कभी विश्राम लेते हैं, और हमारे कार्यक्रम चाहे संगठन से जुड़े हों चाहे जनता से जुड़े हों, वो अनवरत जारी रहते हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव के बाद उन बूथों पर जहाँ हम कमज़ोर थे उनको सशक्त करने का एक कार्यक्रम चलाया था। अभी वर्तमान में हमारा चित्रकूट में एक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है 3 दिवसीय, और इस तरह के कार्यक्रम हमारे संगठन में अनवरत जारी रहते हैं। विपक्ष में सिर्फ उठौल की स्थिति है, आप सब जानते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से गए थे किसी को मुख्यमंत्री बनाने के दावे कर रहे थे, पहले 5 मुख्यमंत्री बना रहे थे, फिर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ और उसमें से लोग निकल कर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि बेमेल गठबंधन है, ये सत्ता के लिए मिलाए जाने वाले हाथ, इनका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, और उसी परिणाम को वो पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के सुर फुटबल से कोई लेना लादना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कि सरकार और संगठन दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं, दोनों अपनी पूरी गति से काम कर रहे हैं। और रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है जी। और हम लोगों की जनता में उपस्थिति है, उसको देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी मैं कल ही देख रहा था एक सर्वे का आकलन था कि आज भी अगर चुनाव हो जाए तो 327 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है लोकसभा में। तो ऐसे में हमें कहीं नहीं लगता कि हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत। हाँ, हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अनवरत कार्य पर लगे रहना चाहिए, और हम लगे हुए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का एजेंडा तो क्लियर है, जीत के लिए तैयारियां चल रही। तारिक जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी तो अपनी जीत की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जो विपक्ष है वो टूट रहा है और आपस में ही लड़ रहा है, बयानबाजी कर रहा है, इससे कैसे टक्कर देंगे आप बीजेपी को 2024 में? देखिए, मैं टूट कह नहीं रहा है, सब अपना अपना काम। हम जब विधानसभा हारे थे तो हमने विधानसभा वाइज समीक्षा की कि हम एक एक विधानसभा क्यों सारी, ऐसे ही रिपोर्ट मांगी थी अखिलेश यादव जी ने कि जो 2 लोकसभा सीटें हम हारे हैं उस पर जिलाध्यक्ष रिपोर्ट तैयार करके लाए। जिलाध्यक्ष रिपोर्ट तैयार कर लिए हैं और आज उसको पेश किया है अखिलेश यादव साहब के साथ, जिसमें तमाम चीजों पे मंथन किया गया। इसके साथ साथ हम सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। अब इसको क्या करना है, ये उसका अधिकार, भाजपा का अपना अधिकार, वो शिविर करें, वो ट्रेनिंग शिविर करें, सब लोग ट्रेनिंग शिविर करें। 2019 में चुनाव से पहले हम लोग भी ट्रेनिंग शिविर किए थे। तो ये प्रक्रिया पार्टियों में चलती रहती है, और विपक्ष और पक्ष की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी हंसी आती है।
42 साल इनकी पार्टी का कैरियर है, 42 साल में 45 से 50 पार्टियों से इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, किया नहीं है, थोड़ा है, किया तो पता नहीं कितना होगा, ये नहीं जानता। तो अब मैं बताता हूं कि ये बातें करना बीजेपी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप बता रहे हैं कि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन तो होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, यही आपके साथ थे। और सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य तो सुभाषपा पे होता है, बीएसपी आपको लेने से मना कर रही है, भाजपा जिनको आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब मेरी हत्या कराना चाहते हैं, अभी आज ही मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे मार डाला जाएगा, तो इस तरीके की बातें हो। आपका चंद दिनों में हृदय परिवर्तन हो गया, अब हृदय परिवर्तन होता है तो जनता भी तो देख रही है, जवाब वही देना, जवाबदेही मुझे नहीं कर, मुझे नहीं देनी है, ना मुझे किसी को देनी है, मेरी पार्टी को भी जनता को वापस जाके देनी है और सुभाषपा को भी वापस जाके जनता को देनी है कि बीजेपी के विपरीत दिशा में दिया हुआ वोट कैसे घूम रहा। तारिक जी, इस गठबंधन के टूटने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, क्योंकि अखिलेश पर भी ये आरोप बार बार लगे हैं कि वो जिससे भी गठबंधन करते अगर हार जाते हैं तो उनका गठबंधन टूट जाता है, जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैम जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदार कह देना ये गलत बात होगी। देखिए गठबंधन दो लोगों में, इसको खुद मैरिज कहा एक तरीके से, जब सुबह ओपी राजभर साहब ने तलाक की बात की तो एक तरीके से मैरिज की। अब मैरिज तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है, उसके बाद तलाक भी दोनों तरफ सही होगा, लेकिन पहल कौन करता है, कौन शुरुआत करता है, ये चीज मंथन करने वाली। लेकिन पहल आपने की थी, हमें उस पर जवाब देना पड़ा क्योंकि हम मजबूर थे, हमें अपने नेता का सम्मान को बचा के रखना। आप सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा। आप एसी की बात इतनी करते थे, जौनपुर गए तो एसी लेके गए थे क्या, या 50 आदमी रखे थे जो मुंह पे अखिलेश यादव के एसी लगाए रहे थे, आप कहना क्या चाहते थे, इसको स्पष्ट नहीं किया है कि एसी से बाहर निकलिए। कौन सा नेता मैंने अपने पूरे कैरियर में आज तक नहीं देखा जो एसी से बाहर नहीं निकलता हो, हर आदमी निकलता है क्षेत्र में। हाँ, हार जीत अलग की बात है, जो जीतता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होता है, जैसे अभी श्रीवास्तव साहब का है कि हम जीतते चले आ रहे हैं बहुत आराम से, सब जीत जाएंगे। यही जब 70 के दशक तक कांग्रेस पहली बार नहीं आ रही थी तो यही हाल था, तो जब उरूज होता है तो ऐसे ही बातें करते हैं जिनकी पार्टी ऊपर चढ़ रही है जी। अब हम अपने स्ट्रगलिंग फेज में, मानना ये हमारी जिम्मेदारी है, मंथन करना हमारी जिम्मेदारी है, हार को स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी है, हार का मंथन करके आगे बढ़ना। बीजेपी से लड़ कौन रहा है? समाजवादी पार्टी, बाकी सब लोग डीलिंग कर, बाकी सब लोग डीलिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता के करीब आ जाए। यानी आप सब विपक्षी पार्टी कह रहे हो और एक विपक्ष के तौर पे वही अपनी जिम्मेदारी निभा रहा, आप यही कह रहे हैं। मैम किसने जिम्मेदारी निभाई? क्या सुभाषपा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? इनको वोट क्यों मिला? ये अकेले लड़े थे, ये पूरे विपक्ष मिलके लड़े थे कि हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। आप एक एक रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, राजपथ साहब एक एक रिकॉर्डिंग, इन्होंने भाजपा को बताया कि इन्होंने ये महंगाई ले आए, ये दलितों के खिलाफ है, ये राजभरों के खिलाफ है, इन्होंने क्या नहीं किया है, इन्होंने ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे, इस तरीके की बातें की। अब आपने वो जो वोट मिले आपको, 6 विधायक आपके जीते, मान लेते हैं उनको 5,00,000 वोट मिले टोटल मिलाकर, तो वो सत्ता के विपरीत मिले थे। अब आप अंबेडकर की बात करेंगे और चंद ही दिनों में आपका हृदय परिवर्तन होगा तो मुझे नहीं देना है जवाब, आप मैं कोई नहीं, मैं मेरी कोई हैसियत नहीं, जनता को ही जवाब देना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। अतीत जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस गठबंधन के टूटने में पहल सुभाषपा की तरफ से की गई है और जिस तरह के बयान सामने आए, क्योंकि अगर गठबंधन था तो आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप गठबंधन के साथी का मान रखते उनकी तरफ से बोलते, लेकिन आपने जिस तरह से आवाज उठाई तो माना जा रहा है कि पहल आपने करी गठबंधन तोड़ने की। बात कोई छिपी छिपाई नहीं है, मीडिया में काफी दिनों से चली कि हमें फोन किया गया, उसके बाद हमें मना कर दिया गया, टिकट के बंटवारे में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई, तो हमने तो किया नहीं, लेटर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुआ, तो जाहिर सी बात है गठबंधन उन्होंने तोड़ा है। तो जब हमें बार बार अपमान करने का काम किया गया तो हमने कहा ठीक है भाई, जो आपका सही फैसला हो, जो आपको लगता हो आपकी पार्टी के हित में हो वो फैसले लीजिए, तो समाजवादी पार्टी ने वो फैसला लिया। तो हमें ऐसा नहीं है इल्जाम हमारे ऊपर लगाना, मुझे लगता है ये बेबुनियादी इल्जाम के प्रवक्ता महोदय लगा रहे हैं। रही बात अब हमारी, देखिए शिखा जी, हम अपने संगठन को मजबूत करने पे लगे हैं, हम आप किसी उसमें नहीं पड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों के साथ साथ कुछ गरीबों पिछड़ों अन्य लोग वर्ग सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, हम अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं,
जैसे अभी माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राजभर समाज को एसटी में लाया जाए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे राजभर समाज एसटी में आ जाए, पिछड़े समाज को राहत मिल जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्नातकोत्तर तक शिक्षा फ्री हो जाए, स्वास्थ्य फ्री हो जाए, तो हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिए हम किसी भी तरीके के उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी पूर्वांचल में एक उभरी हुई पार्टी है, हमारे 6 विधायक हैं और मुझे लगता है कि जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम अपने उस पर काम कर रहे हैं। बस जो नई पार्टी जो हमारी आगे जो हमारी नीतियों पर काम कर रही है उसको क्या है नया, तो उस पर कहीं ना कहीं सबको बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा। लेकिन अभी जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे हमने देखा कि अभी मौर्या जी इल्जाम लगा रहे थे, तो मौर्या जी तो खुद पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में थे, तो उनके रहमो परम पे 2 बार विधायक बने, उसके बाद फिर भाजपा में थे, फिर सपा में आए, तो कई बार इन्होंने खुद पार्टियां बदली है। तो जो खुद पार्टियां बदल रहा है मुझे लगता है उसको दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जी अरविंद जी, सपा और सुभाषपा, हमने दोनों को देखा, दोनों ही कई बार गठबंधन कर चुके हैं और पार्टियां बदल चुकी है। सुभाषपा अगर ओम प्रकाश राजभर को देखे तो वो भी कई पार्टियां बदल चुके हैं, सपा भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है इन दोनों का भविष्य कैसा है? देखिए भविष्य तो कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज जो गठबंधन टूटने के बाद जिस तरह से एक राजनीतिक सुचिता भाषा की मर्यादा जो होनी चाहिए वह बिल्कुल नहीं दिख रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जिस शब्द का इस्तेमाल किया है पोस्टर में, उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, वह कहीं से ना कहीं रेखांकित करता है कि जो लोहिया की पार्टी समाजवादी पार्टी थी जो कि राजनीतिक सुचिता की बात करते थे, भाषा की मर्यादा की बात करते थे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसे तार तार कर रही है। समझना कठिन है कि जिस पार्टी के साथ आप मिलकर के चुनाव लड़े, चलिए गठबंधन होता है, टूटता है, बिखरता है, लेकिन क्या आप इस राजनीति के इतने निचले स्तर पर आ जाएंगे कि एक एक राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक राजनेता को जो है एक जानवर से उसकी तुलना करेंगे और खुद आपके कार्यकर्ता आपको भी एक जानवर की तुलना करेंगे, या कहीं सभी मर्यादित तो उचित नहीं है? यह रेखांकित करता है कि आप जो है केवल गठबंधन को सत्ता तक पहुंचने का इस्तेमाल किए और जब आप उसमें विफल रहे तो आप अपने जो है असली चेहरे के सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने किया है, मैं यह शायद समझ रहा था कि अब तक उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होगी, लेकिन जिस तरह से उनका बचाव किया जा रहा है वह रेखांकित करता है कि समाजवादी पार्टी जो है भाषाई सुचिता को लेकर तनिक भी जो है शर्मसार नहीं है। पहली चीज देखिए, आप आंकड़ों पर थोड़ा सा नजर डालें तो बैकवर्ड क्लासेस का, जो कि मुलायम सिंह यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, एक अम्ब्रेला बना करके राजनीति में पिछड़ों की गोलबंदी के जरिए सत्ता तक पहुंचे, उसको जो है अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए। 2022 के आंकड़ों पर अगर आप देखें तो केवल 26-27% जो है गैर यादव ओबीसी का वोट इन्हें हासिल हुआ है, वह तब जब आप उनके साथ जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय केशव देव मौर्य जी, ये ऐसे ऐसे लोग जो है क्षेत्रीय छत्रप थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। जब आप उनके साथ मिल करके जो है आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाए तो सवाल लाजमी है कि आप अकेले केवल एक कोर वोट बैंक जिसका दावा करते हैं उसको साथ लेकर के आप कितना मैदान मार लेंगे। रही बात देखिए सुभाषपा की, तो बिल्कुल उसे जो है समाजवादी पार्टी के साथ 6 सीटें मिली है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि समाजवादी पार्टी को जो है 42 सीटों को जिताने में जो है सुभाषपा ने काम किया है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, ऐसे बहुत 13 जिले हैं जहां पर कि राजभरों की तादाद बहुत अधिक है और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ जो है समाजवादी पार्टी को वोट किया और पूर्वांचल में जो है भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा। देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है राजभरों की जाति अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीति में देखिए जो बड़े दल होते हैं उन्हें सर्वाधिक नुकसान होता है। शिखा जी एक बात आओ देखिए, जहां तक गठबंधन तोड़ने की बात है तो चलिए मान लीजिए ओम प्रकाश जी अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गठबंधन को तोड़े, तो क्या 2017 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और चुनाव के 6 महीने बाद गठबंधन टूट गया? क्या ऐसा चाहिए नहीं कि समाजवादी पार्टी ने तोड़ा? 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के दरमियान सपा का गठबंधन हुआ, 6 महीने बाद गठबंधन टूट गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार है? आप जो है अपने जो है गिरबान में झांक करके देखिए कि आप जो है जो आपके सहयोगी उनके प्रति कितना समर्पण भाव रखते हैं,
तो कुल मिलाकर जो एक बड़ा राजनीतिक दल है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन शायद जिस तरह से अखिलेश जी बनारस और जौनपुर में बोलते नजर आए कि ओम प्रकाश राजभर जी के दिल में जो आत्मा में जो है दूसरे दल आ गए हैं या उनका आत्मा जो है किसी और दल का है, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं। एक बड़े व्यक्तित्व को, एक बड़े कद वाले नेता को इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, एक सच्चाई है कि आप जो है विरासत की सियासत को संभालना तो मुश्किल है। हाँ, मलाई जरूर आप खा सकते हैं, लेकिन हमेशा यह जो है आपके सामने थाली की तरह सज करके नहीं आएगा। आपको जमीन पर तो उतर करके एसी से निकल करके परिश्रम करना ही होगा, जो जो बात जो है ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। जी जी बिल्कुल सुभाष जी, हम किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कोई गलत राय तो ओपी राजभर ने अखिलेश को नहीं दी थी। अगर जमीनी स्तर पे काम करने को कह रहे थे तो इसमें नाराजगी किस बात की? बयानबाजियां जो सामने आ रही हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? शिखा जी, अरविंद सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भाषा की मर्यादा होती है, राजनीतिक शुचिता की जो बात इन्होंने की, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता को शर्मसार करती है, तार-तार कर रही है। बिल्कुल वास्तविकता है, गठबंधन होते रहते हैं, गठबंधन टूटते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भाषा की मर्यादा को तार-तार कर दें। लेकिन यहाँ पे इसके परिप्रेक्ष्य में जाने वाली बात यह कि इस भाषा की मर्यादा को तार-तार करने के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? जी। समाजवादी पार्टी या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? अगर इतिहास की बात की जाए, अगर इतिहास देखा जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अगर देखा जाए 2017 से पहले तक कोई नहीं जानता था, या इनके अगर विधायकों की गिनती कर लिया तो नगण्य थे, जीरो थे। तो ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज अगर दूसरे को अगर ज्ञान दे रही है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर चढ़कर अपनी इसने उम्मीदवारी दर्ज कराई, विधानसभा के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी नामक विद्यालय से निकले, उस पार्टी के विद्यार्थी हैं ये, उनके नहीं हुए। सपा के साथ गए, मुख्यमंत्री बना रहे थे, डिप्टी सीएम बना रहे थे, 5-5, 6-6, सपा के नहीं हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है कि आखिर वो करेंगे क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टियां, इनसे गठबंधन हो चुका है इनका, बीएसपी ने दरवाजे बंद कर दिए, बसपा के साथ तो है ही नहीं, इनका गठबंधन हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने क्या किया ये तो सबको पता है। रही बात एसी वाली राजनीति की, जो सारे लोग बोल रहे थे, राजनीति के अंदर जिस प्रकार भाषा की मर्यादा होती है, उसी प्रकार राजनीति के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। अगर एसी की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव सरकार बनने से पहले बड़े अच्छे लग रहे थे आपको, ऐसा क्या हो गया कि वो अखिलेश यादव आपके लिए कड़वे हो गए? कुछ तो रीजन रहा होगा। अगर आपको शिकायतें थी तो आपने सामने बैठकर क्यों नहीं उसको किया? आप आजमगढ़ का बात कर रहे हैं, आप रामपुर की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी हारी, ठीक है कुछ कारण हुए होंगे, सपा हारी है वहाँ पे, लेकिन उन कारणों को ओम प्रकाश राजभर जी अगर चाहते हैं तो एक जगह बैठ के उसको सुलझा सकते थे ना। सार्वजनिक टिप्पणी से ओम प्रकाश राजभर जी को बचना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा कद है, वो उस तरह के नेता नहीं रह गए, उनको अपने कद के हिसाब से ही बयानबाजी करनी चाहिए। दूसरा ये शिखा जी, यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 2024 का अगर देखा जाए, जिस प्रकार विपक्ष बिखरा हुआ है, 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जी विवेक जी, जिस तरह से ओपी राजभर की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, विधानसभा चुनाव के समय में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त सपा का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन जब चुनाव हार गए तो एक बार फिर जिस तरह से उनकी बयानबाजी देखने को मिली, कहीं ना कहीं उनकी चाह दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में लौटने की। तो क्या लगता है, अगर वो लौट के आएंगे तो क्या भाजपा उन पर विश्वास जताएगी, या फिर यहां से भी उनको नो एंट्री का बोर्ड मिलेगा? देखिए शिखा जी, राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, और सही बात है कि ओपी राजभर जी विधानसभा की दहलीज तब लागे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था जी, और दोबारा अखिलेश यादव जी के साथ थे और विधानसभा पहुँचे। जिस तरह से अरविंद जी ने कहा कि दो राजनीतिक दलों में जहाँ गठबंधन टूट जाए, तो इस तरह का पोस्टर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जी। तो अरविंद जी को हो सकता आश्चर्य हो, सुभाष जी को हो, मुझे नहीं है, मुझे भी नहीं, मुझे इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी इससे ज़्यादा अच्छी हरकतों के लिए जानी जाती है। एक समय था मुलायम सिंह जी को नेता चुना जाना था, अजीत सिंह जी उसमें दावेदारी कर रहे थे, तो समाजवादी के लोगों ने अजीत सिंह को दौड़ा लिया था, अजीत सिंह जी को यहाँ से लखनऊ से भागना पड़ा था। आगे का किस्सा मायावती जी का है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से आपके स्टेट गेस्ट हाउस, वो किस्से सबको याद है। तो मैं तो थोड़ा सा ओम प्रकाश राजभर जी के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ, जिस नाते जो जिस चिंता में सरकार ने उनको सुरक्षा दी,
कि कहीं ऐसा ना हो समाजवादी के लोग उनको ठीक से ठुकाई उकाई कर दें, जैसा होता रहा है, आम अपने सहयोगियों के साथ करते रहे हैं। तो खैर, सरकार की सुरक्षा उनको मिली हुई, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं आएगी, लेकिन इससे बदतर स्थितियाँ समाजवादी करते हैं अपने सहयोगियों के साथ, जो प्रचलन में देखने में आया है। फिलहाल ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, और ठीक है, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति को कोई गीदड़ बता रहा, कोई उसके पुत्र को चूहा बता रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम भी इसकी निंदा करते हैं जी। और इसे समाजवादी के प्रवक्ता भी बैठे, इनको भी इस पर कहना चाहिए कि साहब, समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। जिन लोगों ने पोस्टर जारी किया है उनके ऊपर या तो ये कार्रवाई का आश्वासन दें, या जो भी इनकी बुद्धि विवेक से उचित लगता हो उनको बयान देना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा में ये चीज साफ हो गई कि सपा और सुभाषपा दोनों की ही गलती है, और दोनों ही अपनी गलती से बचते हुए नजर आ रहे, अपनी सफाई दे रहे हैं। तो सपा से हम जानना चाहेंगे, तारिक जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी गलतियां भी बहुत रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई गठबंधन तोड़े हैं, पूरा रिकॉर्ड आपका सामने आ चुका है। ओपी राजभर आपको सही सलाह दे रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कि नहीं, हम अपने गठबंधन का मान रखेंगे, जहां सपा कहेगी, जहां अखिलेश कहेंगे, हम वहीं वोट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहां पे गलती नहीं है अखिलेश की? क्या आपको निमंत्रण नहीं देना चाहिए था? जब बैठक हो रही थी तो सभी विधायक, सभी गठबंधन के दल को बुलाया गया, लेकिन ओपी राजभर को नहीं बुलाया गया, तो क्या यहां पे आप अपनी गलती नहीं मानेंगे? दो तीन बातें कहना चाहूंगा जी। नहीं बुलाया गया या बुलाया, मैं बार बार ये बात उठाता हूं कि आपकी विचारधारा कुछ है कि नहीं, या आपका टोटल इसी चीज पे हर चीज आप निर्भर है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं, आप उसी की प्रतिक्रिया करें। इसका जवाब सुभाषपा को देना चाहिए। बुलाया नहीं बुलाया, आप बीजेपी के साथ थे, आपने उनका साथ छोड़ा, आपने कहा कि अब हम आ रहे हैं और भाजपा के राज को खत्म कर दें, फिर आपका हृदय परिवर्तन हो गया, और क्या क्या परिवर्तित होता है मुझे नहीं। अब श्रीवास्तव जी की बात का जवाब दें कि राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, इस तरीके की बातें जिसने भी की, मेरा समर्थन नहीं है, लेकिन इस तरीके के कि मैं ये शेर है, इस तरीके के मुहावरे तो राजनीति में लोग देते आए हैं, मगर नहीं देना चाहिए। खैर, अगर उस तरीके का पोस्टर है तो उससे बचना चाहिए, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट इतना मिला था, इतना, ये आंकड़े आते कहां से हैं कि किसको कितना वोट मिला था, किस जाति का कितना वोट मिला था, ये आंकड़े कहां से आते हैं? इसका सोर्स जरूर बताना चाहिए कि कहां से आते हैं। जैसे कभी कभी कह दिया जाता है कि बीजेपी को 8% मुसलमान वोट मिले, कैसे आते हैं आंकड़े, कहां से मिलते हैं, इसका सोर्स देना चाहिए। तीसरी बात, शेर की बात की गई, जानवर का इस्तेमाल की बात की गई, शेर तो खैर शेर होता है, तो ऐसे तो एक जगह और शेर का इस्तेमाल हुआ, जब मेक इन इंडिया की बात हुई तो भी शेर का इस्तेमाल, तो भी कहा जा सकता था कि जानवर का इस्तेमाल, ये भी एक वाजिब सवाल है। अब हम लोग अपनी गलती निकालने के बजाय इस चीज पे ध्यान दें कि हम हारे क्यों, और सुभाषपा भी इस चीज पे ध्यान दें कि आप हारे क्यों जी। उस चीज पे ध्यान देकर जो जनता के मुद्दे आप लेकर उठे थे उसकी लड़ाई लड़िए। अखिलेश यादव साहब ने शिवपाल साहब के लिए क्या कहा कि आप जाइए और लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाओ। लोहिया की विचारधारा क्या थी ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। लोहिया की विचारधारा ये थी कि पूंजीवाद को रोकना। अडानी साहब कैसे 20वें दुनिया के सबसे अमीर आदमी से 4थे अमीर आदमी बन गए, ये पूंजीवाद है या नहीं है? है या नहीं? तो अगर आपकी आप कहीं भी भाजपा के साथ जा रहे हैं तो आप उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो सवाल तो बनता है भाई। समाजवादी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे या समाजवादी पार्टी ने ये कहां बताया कि 37% उनको वोट मिला, ये आपके पास 37% के आंकड़े कहां से आए? नहीं नहीं, हमारी बात समझे नहीं सुभाष भाई। नहीं, मैं समझा, लेकिन आपने जैसे बोला अरविंद सर के ऊपर की आंकड़े जो बता रही है कहां से लाए, इनके सोर्सेस कहां से, तो मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास सोर्सेस कहाँ से आए कि 2012 के अंदर आपके पास 29% वोट था, इस बार 37% वोट आ गया, तो ये आंकड़े आपके पास क्या है, आपका सोर्सेस बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ देखिए, इसको ओवरऑल कितने वोट मिले वो तो बताया जा सकता है, तो उसी से परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसको उस बेसिस पे
जो ये डिवीजन कर दिया जाता है ये मुझको नहीं समझ में आता है। मैंने कोई ये टिप्पणी नहीं की है सुभाष भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूं, जानकारी मैंने इंफॉर्मेशन के रूप में मांग रहा हूँ। अगर इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाए, ये कोई टिप्पणी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जैसे किसी से पूछा नहीं जाता कि आपने किसको वोट दिए, ये सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग आधार पर ही निकलते हैं। जिस तरह से हर पार्टी अपने वोटों की गिनती बताती है और ये बताती है कि हमको कितने प्रतिशत वोट मिले, उसी के आधार पर ही है। ये भाजपा भी करती है, ये सपा भी करती है, हर पार्टी करते हैं। लेकिन हाँ, ये एक अजम्पशन हो सकता है, ये एक सटीक आंकड़ा हो। जी अरविंद जी, आप अजम्पशन माना जा सकता है। आदरणीय तारिक भाई, देखिए हम लोग जो आंकड़े सामने लाते हैं वो ऐसे हाँ हवाई नहीं होते हैं, वो विश्वसनीय संस्थाओं के होते हैं। मैं जो आंकड़े की बात कर रहा हूँ सीएसडीएस की, जिसे पूरा भारत मानता है, बहुत तवज्जो देता है, सम्मान उसके आंकड़ों का करता है। मैं आपको जातिवार, मेरे पास आंकड़े पड़े हैं, मैं लेकर के बैठता हूँ, मैं केवल हवा हवाई बात नहीं करता हूँ। देखिए मैं आपको बता, 2022 में आप पार्टी पाई है ब्राह्मणों का 6%, राजपूतों का 7%, वैश्यों का 12%, अदर जो ओबीसी अदर जो है वो 17%, जाटों का 33%, यादवों का 83%, कुर्मी का 25%, का 22%, फिर आप अदर ओबीसी के 23-26%, जो है मुस्लिम का 79%। इस तरह से जो है ये हमारे घर पे खराब नहीं है, और उसी जो है आंकड़े को आप भी मानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पूंजीवाद की बात कर रहे थे, चाहे यह सच्चाई का है कि तमाम यूपी के जो मंत्री हैं आज से अधिक के मामले में फंसे हुए हैं, क्या सच्चाई नहीं है? आज अधिक संपत्ति के मामले में समाजवादी विचारधारा के नेता लालू प्रसाद यादव कहते थे कि फंसाया गया, कांग्रेस के जमाने में उनके ऊपर मुकदमा हुआ, क्या वो जेल में नहीं गए? देखिए कर्पूरी ठाकुर समाजवादी थे, उन्होंने अपने लड़के को रामपत ठाकुर को पत्र लिख कर कहा था जब मुख्यमंत्री बने थे कि जब हमारे रहते हुए आप कभी भी किसी विचारधारा से जुड़ी पार्टी में राजनीति नहीं आएंगे। वैसे समाजवादी कर्पूरी ठाकुर जैसे और पूंजी लेकर के जो है अपने आप को जो है अपराधी का सबसे बड़ा चैंपियन बनाता है और बनता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, दूसरे को उपदेश देता है। देखिए पर उपदेश कुशल बहुत है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को कभी भी जो है उपदेश देने का अधिकार नहीं है जो कि खुद उसी दलदल में फंसे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैं चाहता हूँ एकदम की पूंजीवाद का समर्थक है, लेकिन साथ साथ जो है समावेशी विकास और समाजवादी जो राजनीतिक जो गोलबंदी है उसको भी लेकर के वो चलने का काम कर रही है। उसकी मैं उसके तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना उसके राजनीतिक विचारधारा के खूंटे से बधा हूँ और ना ही किसी पार्टी से बधा हूँ, लेकिन यह सच्चाई जो है वो आपके सामने, हम लोग जो है हम है चाहे आदरणीय सुभाष भाई बैठे हैं, ये हम लोग किसी को जो है पक्ष में विपक्ष में वो करने के लिए नहीं बैठे। जो सच्चाई है सामने लाने के लिए हम लोगों की जवाबदेही होती है, वो आप उससे चाहे इत्तेफाक रखें न रखें अलग बात है, लेकिन हाँ आपको पूरी मैं स्वतंत्रता देता हूँ कि आप हमारे ऊपर आक्रमण करिए, हमला करिए, हमारा हमारी बातों को ये कहिए कि हम इसमें बधे हैं उधर, आपकी स्वतंत्रता, मैं अभिव्यक्ति का जो है सम्मान करता हूँ और हम लोग इससे तनिक विचलित नहीं होते हैं। जी जी अतीक जी, जिस तरह से ओपी राजभर ने कई पार्टियां बदली हैं, अब उनको हर तरफ से नकारा जा रहा है, आने वाले भविष्य को किस तरह से देखते हैं, किस पार्टी का दामन थामना चाहते हैं, क्योंकि बसपा की बात कही थी वहां से नकार दिया गया है, और अब किस पार्टी का दामन थामना चाहते हैं, क्योंकि अब उनपे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हर पार्टी को वो धोखा दे चुके हैं। देखिए शिखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्टर बैनर छप रहे हैं या कहीं से लीक हो रहे हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ऐसे पोस्टर बैनर की निंदा करती है कड़े शब्दों में। इस तरीके का जो पोस्टर बैनर जारी कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात दूसरी बात पे, हम आते हैं कि हम जाएंगे किधर। देखिए शिखा जी, हमारा पूर्वांचल में एक जनाधार है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े नेता के रूप में है, और आपको बताऊं 40-45 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिस पर राजभर समाज हार जीत तय करता है, और लोकसभा की 4-5 ऐसी सीटें हैं जिस पर हम हार जीत तय करते हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं हम किधर जा रहे हैं, कौन हमें लेगा। ठीक है, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा ये बात की बात है, लेकिन हम अभी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। हमारी पार्टी प्रत्येक जिले में बैठक कर रही है, और मुझे लग रहा है कि हमें अभी कुछ ये कहना जल्दबाजी होगी कौन लेगा कौन नहीं लेगा। रही बात ना लेने की, तो हमने
देखिए किसी के ये कहने से कि किसी के टूट से और कुछ ऐसी बातें कहने से ये कि हमें नकार दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नकारा किसी ने नहीं है। रही बात जाने की, अभी हमने तय भी नहीं किया है, सिखाने देंगे जिस दिन हमें जाना होगा या किसी से कोई बात होगी तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया जाएगा। रही बात ये कि हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई भी फैसला स्वयं दो भारतीय समाज पार्टी अपने कैडरों के साथ ही लेती है, बैठक करती है, बैठक में लेती है। और रही बात पार्टियों में जाने की और सुरक्षा की या किसी पे आरोप प्रत्यारोप की, तो मुझे लगता है ये मुद्दे पुराने हो गए हैं और ऐसे मुद्दे पर अब बहस करने कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी डिबेटें हुई है, आपके चैनल पर हुई है और अन्य चैनलों पर हुई है, एक ही आरोप हमेशा लगता है कि इनको हटा दिया गया, इनको नहीं लिया जा रहा है या खुद ये पार्टी छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है कि अब हम इस पे कुछ ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी जो पुरानी नहीं हो पाएंगी। जैसे आपने सपा का दामन थामा था और आपने कई बातें कही थी कि आप कई सरकारें बना चुके हैं और आप जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आजम खान ने भी यही बात कही कि सरकारें बना रहे थे, मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल देखिए शिखा जी, चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, बहुत सारी मुद्दे उठाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले के वो मुद्दे थे, अब चुनाव से पहले के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ मैं उसकी टिप्पणी करूं। हाँ इतना है कि पार्टी आप खुद देखेंगे आने वाले 10 से 15 दिन में आपको बहुत बड़ी चीजें देखने को मिलेगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में, और ये पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी उभरती हुई पार्टी है। और मुझे लगता है जो हमें छोटी पार्टी कह रहे हैं, छोटे नेता कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, सबके मुंह कुछ दिन बाद बंद हो जाएंगे और हमारी पार्टी ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। अतीक जी, स्वामी प्रसन्न मौर्य ने कहा कि स्थिर नहीं रह सकते ओपी राजभर, और जिस तरह की आपकी बयानबाजी आई, आपने भी कहा कि छोटी पार्टी नहीं रह सकती, बड़े नेता हो गए हैं, तो क्या अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने के लिए, क्या ये इस तरीके के बयान दिए गए हैं ओपी राजभर द्वारा? नहीं नहीं देखिए, पहले तो मैं स्वामी प्रसन्न मौर्य जी की बात का जवाब दे दूं, वो खुद ही नहीं टिकते कहीं, उनकी राजनीति बसपा से शुरू हुई थी, भाजपा पे शुरू हुई, फिर भाजपा में गए, वहां से विधायक बने, फिर समाजवादी पार्टी में आए, एमएलसी बने। तो जब जो अपनी चीज खुद नहीं बचा सकता वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 40,000 के ज्यादा अंकों से उन्होंने जीत दर्ज की है, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर या उनके विधायकों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। और आपने देखा होगा शिखा जी, हमारी जितनी सीटें थी 10 से ऐसी ज्यादा सीटें थी जिसपे हमारा अंतर 500 से लेकर 2000 के बीच में था, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में हमारा एक जनाधार है, तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा वो टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं कि पूर्वांचल में हम लोगों को बैसाखी पकड़ा सकते हैं। सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी में वो दम है कि पूर्वांचल में, अभी देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे बयान दिए, उससे साफ उनकी हताशा और निराशा नजर आ रही है कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं उनकी जमीन अब टूटती हुई नजर आ रही है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब भी कह रहे थे कुछ कि सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेंगे। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी एक बेबाक बोलने वाले नेता है, तो वो रही बात सुरक्षा की और उनकी, तो ऐसा नहीं है, वो एक ऐसे नेता है कोई उनकी ना तो किसी से दुश्मनी है ना ही कोई उनके वो है। हाँ सुरक्षा केंद्र सरकार से मांगी गई थी क्योंकि कई बार हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो सरकार ने सुरक्षा दी है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता है इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए कि जिस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन आपकी बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए, क्या ये लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है? नहीं नहीं देखिए लोकप्रियता नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी इसी बयान के लिए जाने जाते हैं जी। ओम प्रकाश राजभर जी 90 के दशक से राजनीति कर रहे हैं और मुझे लगता है जब से वो राजनीति कर रहे हैं, जब बसपा में थे तब से पूर्वांचल के गली गली में घर घर में हर बच्चा जानता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है कौन। और आप शिखा जी कभी रिपोर्टिंग करने जाइएगा पूर्वांचल की तरफ, तो जो मेरा पीला जनता देख रही है आप, आपको पूर्वांचल के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में और हर व्यक्ति के कंधे पर ये पीला गमछा आपको मिलेगा। तो इसी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लोकप्रियता पता चल जाती है कि कितनी और किस लेवल पे उनकी लोकप्रियता है। तो मुझे लगता है बयानबाजी से कोई लोकप्रियता का कोई मतलब नहीं है जी। अरविंद जी, सपा और सुभाषपा दोनों आपस में ही जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी विजय की तैयारी कर रही है, आप इस विजय को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कोई रोक पाएगा बीजेपी को? नहीं बिल्कुल, मैं सुभाष जी ने एक बात कही बहुत सटीक कही कि 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का भाजपा के सामने कोई टिकेगा नहीं। कारण देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वो कलह के कोलाहल में फंसी हुई है।
जहां आज की तारीख में उसे अपने प्रशिक्षण शिविर उसको भी चलाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को अनुशासित ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए, किस तरह से लोगों से जुड़े, किस तरह से लोगों को अपने पाले में लाए, लेकिन उसके बजाय जो है वो अपने जो पूर्व गठबंधन के दल है उन्हीं के ऊपर आक्रमण करती दिख रही, यानी अपनी पूरी ऊर्जा जो है जाया कहीं और कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप देखें जिला स्तर से लेकर के आप अन्य जो प्रशिक्षण शिविर है, चाहे वो आप अपने देखा कि हैदराबाद में आपने देखा, अभी आप चित्रकूट में देख रही है, कुछ दिन के बाद हस्तिनापुर में, इसी तरह से कई जगह पर जो है लोगों को लामबंद कर रही है। और यह राजनीति में धाराओं का बड़ा महत्व होता है, जो पूरी तरह से आजमगढ़ और रामपुर चुनाव के बाद जिस तरह समाजवादी पार्टी हारी है, एक लोगों में संदेश क्या है कि समाजवादी पार्टी में अब वो दम नहीं है जो भाजपा का मुकाबला कर सके। यानी सीधे तौर पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत आधार पर समीकरण को दुरुस्त, उसके कील कांटे को मजबूत कर रही है, जो हर जाति के जो अपने एक लीडर है उनको अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पढ़ाई बढ़त बनाए हुए है। ऐसी स्थिति में देखे समाजवादी पार्टी को तो विचार करना ही होगा कि आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जो राजनीतिक जो व्यूह रचना है उससे आखिर हम कैसे निपटे। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण कहा ही जाएगा कि जो है समाजवादी पार्टी जिसकी जिम्मेदारी भी है एक एक कड़े विपक्षी दल के रूप में भाजपा के सामने प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा खींचने का, वह जो है अपने ही जो है चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही है। कभी वह शिवपाल यादव से लड़ती दिखती है, कभी ओम प्रकाश राजभर से लड़ती दिखती है, तो कभी उसके ही अंदरूनी कला से जो है उसके जो कार्यकर्ताओं का जो हौसला है मनोबल है वह गिरता हुआ नजर आता है। कहा जाता है कि जिसे हारने का डर होता है वो हमेशा हारता ही है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इस दरमियान भाजपा जो है अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। शिखा जी जी सुभाष जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2024 का चुनाव है और बीजेपी की जो महातैयारी है उसको देखते हुए माना जा रहा था कि पूरे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, आज उसकी पहल भी हुई है, ममता और सोनिया मीटिंग करने वाली है जल्द ही, तो क्या लगता है सिर्फ इन दो पार्टियों के मीटिंग से क्या हराया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हर चुनाव में अहम भूमिका होती है, और ऐसे में जो सपा की कलह चल रही है अंदरूनी इसको देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्य अपनी भूमिका विपक्ष की निभा पाएंगे? शिखा जी सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन चुनावी मूड के अंदर रहती है जी। उनके पास ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आए तो 6 महीने पहले एक्टिवेट हो जाने का, लोकसभा के चुनाव आए तो 3 महीने पहले एक्टिवेट हो जाने का। विपक्षी पार्टियां ऐसा करती है, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जमीनी सतह पर काम करती है, अपनी सरकारी जो योजनाएं होती है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है। अभी आपने ममता बनर्जी का और सोनिया गांधी जी का जिक्र किया, ये एक ऐसा बेमेल गठबंधन है जो टिकेगा ही नहीं। आपने राष्ट्रपति चुनाव के अंदर देख लिया, पहले मनाने चली गई थी ममता बनर्जी इनको शरद पवार जी को, उन्होंने मना कर दिया, उन्हें पता था कि हम हार रहे हैं, चलेगी फारूक अब्दुल्ला जी के पास, उन्होंने मना कर दिया, बच्चे खुचे यशवंत सिन्हा अपने उम्मीदवार तो उन्होंने उतार दिए, लेकिन इन्हीं ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस ने मार्गरेट अलवा को उपराष्ट्रपति पद का जब उम्मीदवार घोषित किया तो इन्हीं ममता बनर्जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इनके साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी भी अपने आप कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर स्थापित करना चाहती हैं, वो कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये जो गठबंधन आप बता रही कांग्रेस का या सोनिया गांधी की जो बैठक हो रही इनकी, ये सिर्फ एक बेमेल गठबंधन है, ये सिर्फ समय के साथ बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर 2024 का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के गठबंधन के घटक दल एक एक लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने वाला है नहीं। सपा अपने गठबंधन के सहयोग संभाल ही नहीं पा रही है, चाचा नहीं संभल रहे इनसे, घर के परिवार के सदस्य पढ़ना नहीं संभल रही है, ये संभालेंगे से विपक्ष के रूप के अंदर? ये भारतीय जनता पार्टी के रक्त को रोकने के अंदर पूरी तरीके से विफल हैं, और अगर यही हाल रहा तो 2024 के अंदर भी पूरी तरीके से विफल ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं रोक पाएंगे लोग। जी तारिक जी सपा की क्या तैयारी है, क्योंकि आप अपने अंदरूनी कलह से निपट नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आने वाले समय में टक्कर देंगे बीजेपी को? साथी और सुभाष भाई ने जो बातें कही हैं समाजवादी पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए, मैं हमेशा ये बातें कही जाती हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, एक तरीके से ये नसीहत है, या मैं ऐसे ले लेता हूँ कि इन लोगों को हमारी पार्टी की बहुत चिंता है। तो मैं दिल की गहराई में उससे पहले तो शुक्रिया अदा करूँ कि भाई आपने कहा कि हम शिविर करें। तारिक जी पार्टी से ज्यादा देश की चिंता है, क्योंकि एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। नहीं नहीं वो ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ कि आपने आपकी चिंता गलत है, मैं उसको अच्छा कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, निगेटिव नहीं लेता हूँ उस बात को। और जहाँ तक रही तैयारी की बात, भाई देखिए जनता जनार्दन वही मालिक है, जो मैंडेट दे देगी उसको सराकों पे रखना, रखिए ना रखिए मजबूरी है। आपने बाई इलेक्शन हराया, आपने सराकों पे रखा, ऐसे ही हम जाके गोरखपुर और इलाहाबाद फूलपुर हराए थे तो आपको सराकों पे रखना पड़ा था,
तो जनता जो भी देगी। ऐसे ही जब दो सीट आप जीते थे एक जमाने में तब भी आपने सराखों पे रखा था, अब तीन तो जीत गए हैं। मैम दिल की गहराइयों से सम्मान है, हमें विपक्ष में बैठा लेंगे तो भी बैठने को तैयार है, सत्ता देंगे तो ईमानदारी से सत्ता चलाई जाएगी, लेकिन अगर हम हार रहे हैं तो आज ही आप देखिए कि उसकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा में वजह ही बताया कि किन वजहों से हम हार रहे हैं, कोई भी पार्टी हारती है। जैसे योगी जी जब गोरखपुर हारे थे तो उन्होंने कहा था हम बीएसपी और समाजवादी ये गठबंधन को समझ ही नहीं पाए, इसलिए हम हार गए, है ना। तो हर उन्होंने भी समीक्षा की होगी तभी ये बात कही थी। ऐसे ही हम भी समीक्षा कर रहे हैं, अपनी अपनी कमियों और गलतियों को सुधार कर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जनता के सामने एक बेहतर विकल्प दिया जाए। और दूसरी बात, अभी पत्रकार साथी ने भ्रष्टाचार की भी की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से बचा कौन है, क्या बीजेपी बची हुई है? नमामि गंगे जीता जाता एक तरीके का स्मारक बनेगा आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितना हजारों करोड़ रुपए दे दिया सफाई के नाम पे, जीरो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज तो सब जगह है, उसके लिए ओवरऑल सिस्टम की बात करनी पड़ेगी, सिस्टम को ठीक करने की बात करनी पड़ेगी, ना कहीं एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को यहाँ पर टारगेट करने की जरूरत है, उसके लिए सिस्टम के सुधार करने की बात करने की जरूरत है, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य की बात करने की जरूरत है, ना कि समाजवादी पार्टी अपना रोल अदा करें कि विपक्ष का जो अभी विधानसभा में और लोकसभा में हम जनता के बीच में जो विफलताएं भारतीय जनता पार्टी की हर स्तर पर वो लेके जाएंगे और वो वही विचारधारा होगी जो लोहिया और जेपी साहब ने सिखाया है उसी को लेके जाएंगे, जो उनके स्टूडेंट है उन्हीं की बात करेंगे, अगर जनता को समझ में आएगा तो हमको वोट देंगे, नहीं आएगा तो हम आपकी अदालत में फिर से आके बैठेंगे, हम जवाब देंगे फिर से, हम कहां भागे जा रहे हैं जी, या हम कहां इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं, ये बात कहना गलत हो जाती है कि हम ही आ रहे हैं। और एक बात अपने प्रसपा की बात का जवाब दे दूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अरे भाई क्यों बता रहे हैं बार बार, कोई जाके संगठन को कहता है क्या कि भैया कमजोर हो जाओ, सब लोग जाते हैं अपने संगठन को ही मजबूत करते हैं, ये बात इतनी बार बताने की वजह ही नहीं मुझको समझ में आती है, भाई कौन सी पार्टी होगी जो अपने संगठन को जाके कमजोर करे कि सब लोग मजबूत ही करते हैं, समाजवादी पार्टी भी मजबूत कर रही है, आप भी कर रहे हो, भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। जी बिल्कुल विवेक जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात उठ गई हो और कोई भी इससे छूता नहीं है, ये तारिक जी ने कहा है। देखिए शिखा जी, सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा नजर आता है, जो भ्रष्टाचार ये करके गए हैं शासन सत्ता में, इनको लगता है कि हर कोई भ्रष्टाचारी है, ईडी इन लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती तो इनको लगता है कि ईडी उनके दरवाजे पर क्यों नहीं जा रही है, सोनिया गांधी को ईडी बुलाती है, ममता जी के मंत्री के यहाँ ईडी पहुँच जाती है, इस तरह से इन लोगों को दिक्कतें महसूस होती हैं और इनको लगता है कि साहब हर जगह भ्रष्टाचार है। उसी गंगा में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब कभी स्नान करने नहीं गए, उसी गंगा में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे कुंभ मेला लगा तो उसमें अखिलेश जी भी स्नान करने गए, तो दोनों सरकारों में गंगा कितनी साफ हुई, अंतर साफ है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से गंगा साफ हुई उसी तरह से शासन सत्ता के गलियारे में भी सफाई की गई, जी सफाई उसका, तो हुई है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार की भी सफाई हुई है, क्योंकि सरकार तो कई कदम उठा रही है लेकिन उसके बाद भी कई खबरें भ्रष्टाचार की आती है, कल ही हमने देखा था कि बीजेपी के भी कई नेताओं के घर पर बुलडोजर चला है। विवेक जी नहीं, जहाँ हमें जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, जो भी अपराध करेगा जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो कार्रवाई की जद में होगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, हम किसी को बख्शते नहीं। बिल्कुल तारिक जी अपनी बात रखिए। आप ही ने खोला था अभी पशुपालन वाला जो घोटाला था, तो किसकी सरकार में था? आप ही की तो सरकार में था, आप ही ने बताया था एक चैनल पे कि 50,000 का सामान 2.5 लाख का खरीदा गया था, तो सरकार अछूती है क्या उसकी? बिल्कुल जो अधिकारी तारिक जी जो अधिकारी लिप्त है उनके ऊपर जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। हमारी सरकार में हम भ्रष्टाचार को ढकने का काम नहीं करते, उन अधिकारियों को सरकार के सामने बेनकाब करने का काम करते हैं, उनको जांच के दायरे में लाने का काम करते हैं। एक जवाब दे दीजिए विवेक साहब, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा, बिल्कुल जैसे जैसे ईमानदार कहा जाता था कि ईमानदार मनमोहन सिंह के नीचे सब नीचे बेईमान है,
तो क्या मैं योगी छाप को कहना शुरू कर दूं? शुरू करूं? क्योंकि अगर नीचे हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नहीं लेंगे जिम्मेदारी कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही की हैसियत से मैंने उस बेईमानी को पकड़ा, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, सरकार के द्वारा उस पर जांच भी बैठा दी गई है और बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। सरकार में हो रहा है, इस बात को मानिए। अधिकारी अगर कहीं गलत करता तो उसको चिन्हित करके सरकार के ध्यान आकृष्ट करना हमारा काम, हमने किया। डॉक्टर साहब आप बहुत तो मंत्री को पता होता है, चाहे वो राज्य स्तर का हो और चाहे वो तारी जी इस बात में मैं भी कहूंगी कि सपा की सरकार थी तो उस वक्त क्या अखिलेश यादव को पता था कि उनके अंडर में जितने अधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप अगर समाजवादी से ही सवाल करना चाहते हैं। जी नहीं, मैं दोनों से कर रही हूँ। जिस तरह आपने कहा कि जो अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो मुखिया को पता होता है, बिल्कुल पता होता है, इसका जवाब चाहूंगी कि अगर उस वक्त भ्रष्टाचार हुआ तो क्या अखिलेश को पता था? आपने साबित किया, आपने कई जांचें बैठा ली समाजवादी टाइम की, आपने साबित किया। अगर आप साबित करती तो आप छोड़ देती? जब आपने कहे हुए दूसरों की बातें लिप सबको कर लेते हैं आप, तो आप हमको छोड़ देते, ऐसे ही जाने देते? आप हमको ऐसा घेरते कि हम बच ना पाते? ये भारतीय जनता पार्टी प्रजापति जी जेल में है। अरे भाई, प्रजापति जी का नाम ले रहे हैं आप, फिर मैं भी बहुत से नाम लूंगा आपके भी। प्रजापति जी जेल में है तो हम कहते हैं, अब हम भी कहें कि हम अपने भ्रष्टाचार को खुद उजागर करते हैं, हम भी कहें बड़े। आपने प्रजापति जी को जेल नहीं भेजा, आपने भेजा वो, था वो बिल्कुल हमारे शासन में आने पे कोर्ट के आदेश पे जेल गए, आपने नहीं भेजे गए। खनन वाला मामला तभी से जांच शुरू हो गई थी उसी टाइम से, आपने कैसे भेज दिया? अखिलेश यादव उनका प्रचार करने भी गए थे चुनाव में, बलात्कार सेंगर साहब बलात्कारी की बीवी को विधायक बना दिया प्रचार करने गए थे, बताइए सवाल जवाब दीजिए। सेंगर साहब बीवी को कहाँ बनाया विधायक? क्या जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बनाया? कुछ नहीं बनाया तारिक जी, जानकारी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम नहीं बनाया तारिक जी। तारिक भाई आप पर्सनल नंबर दीजिए, तारिक जी नहीं टिकट दिया, आप पर्सनल नंबर दीजिए, रिप्लाई करूंगा मैं आपको, ठीक है? कि सेंगर साहब के खानदान को बनाया या आपने नहीं बनाया? जिस तरह से कहा गया है अभी, तारिक जी ने कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसके मुखिया को पता होता है, तो ऐसे हर पार्टी में पता होगा, जितने भी आज तक सरकारें बनी हैं भ्रष्टाचार हुए हैं, तो क्या मुखिया को पता होता है? क्या मुखिया भ्रष्टाचार करते हैं या उसके अधीनस्थ भ्रष्टाचार करते हैं? जी तारिक जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, मैं अरविंद जी से सवाल कर रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए अगर तारिक भाई अगर यही कहना चाहते हैं तो ये तो मानकर ही चलना चाहिए कि गायत्री प्रजापति खनन मामले में जब भ्रष्टाचार कर रहे तो अखिलेश जी को पता था। मैं हालांकि इससे सहमत नहीं हूँ, कोई भी शासन सत्ता का जो नियंता हो कभी नहीं चाहता है कि हमारा जो शासन सत्ता हो बदनाम हो और फिर जो हमें जनता के बीच में जाकर के सफाई देनी पड़े और कुछ इस तरह के मुकदमे झेलने पड़े कि भविष्य में जो है जेल जाने की नौबत आ जाए। देखिए, कैंसर को खत्म करना होगा तो आपको कैंसर के कीड़े को मारना जरूरी है। भ्रष्टाचारी कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा जो है, विशेष रूप से जो आदरणीय मंत्री जी, इसको लेकर के जीरो टॉलरेंस अपनाए हुए हैं और यह जनमानस में धारणा भी बनी हुई है कि वह जो है किसी भी भ्रष्टाचारी को, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसका जो शासन व्यवस्था होता है उसमें ऐसे तमाम लोग होते हैं जो साथ रहते हुए भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अपराध के कृत्यों में भी लिप्त होते हैं, लेकिन जब वो पकड़ में आते हैं तो कहा जाता है ना कि कानून की चक्की धीमी ही सही पर बहुत महीन पीसती है और वो पीछे भी जाते हैं। और आप देखिए कि अभी जो स्वास्थ्य विभाग का मामला था, किस तरह से अन्य मामले थे, विवेक जी तो यहाँ बैठे हुए गवाह हैं, किस तरह से उन्होंने एक मसले को जो है पूरी तरह से उठाया, शासन सत्ता उस पर अपना ध्यान लगाया, जांच बैठाई, उस पर जांच भी चल रहा है, मुझे लगता है कि दोषियों की कार्रवाई भी होगी। अगर जिस पार्टी में विवेक जी जैसे कार्यकर्ता होंगे, जो अधेड़गर्दी मचाए हुए अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो निस्संदेह जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो लोग अपनी ही पार्टी की कमियों को जो छिपाने का प्रयास करेंगे, चाहे वह बाणी से की गई हो या कर्म से की गई हो, तो निस्संदेह जो है पार्टी के जो है शुभचिंतक नहीं है, बल्कि जो है एक व्यक्ति विशेष के जो है केंद्रीकृत उसके आभा मंडल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और उनके लिए सैद्धांतिक विचारधारा कुछ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है वो। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता को सबसे जो है सजग होना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था में निष्ठाओं का परिवर्तन होता रहता है और मसला चाहे वह जो है राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है विचार
से पूर्णता जो है श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी वह पार्टी जो है आगे बढ़ती है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक ये गुण जो है मौजूदा समय में भाजपा के नेताओं में है, समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी है। और लेकिन स्थिति तभी मजबूत बनती है जबकि बहुमत जो है अच्छे लोगों का होता है, सैद्धांतिक विचारधारा अच्छे लोगों को आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी पार्टी के साथ गठबंधन करें, गठबंधन टूट जाए तो उसको आप जो है जानवरों की संख्या दे, तो इसके इसका जो है भविष्य में जो खामियाजा भुगतना होगा उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। बिल्कुल तारिक जी, मेरा क्रॉस क्वेश्चन करने का मकसद बस यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि कोई भी जो कुर्सी पे आसीन मुखिया वो कभी इस बात से जानकार नहीं होता है कि उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब उन्हें पता चलता है तो वो एक्शन लेते हैं, वो चाहे अखिलेश की सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। मुखिया अनजान होता है तभी ये सब होता है, वो किसी की भी सरकार हो। मैं बस आपको बस ये बताना चाहती थी। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष अपने आपसी अंदरूनी विवादों में उलझा हुआ है, उसको इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल के अपने मुख्य विपक्ष की भूमिका को समझना चाहिए, साथ ही साथ जो ये पोस्टर वॉर देखने को मिला है उस पर आप क्या कहेंगे? शिखा जी, आपने और अरविंद सर ने एक बार तो स्पष्ट कर दी जो भ्रष्टाचार वाली बात थी जी। इसके अंदर मुखिया इसके अंदर अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि अगर मुखिया इसके अंदर अगर जानकार रहता है तो ये सब चीजें घटना घटती नहीं। गेहूं के साथ घुन पिसता है। लेकिन तारिक जी ने जो भ्रष्टाचार का सवाल जो आपने पूछा था, तो उस भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब न देते हुए उल्टा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कम से कम ये तो उजागर हो रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सपा की सरकार के अंदर ऐसा होता नहीं था। ये तो वो वाली कहावत हो गई ना कि कोयले की दलाली में सबके हाथ काले। तो तारिक भाई ये बताना चाह रहे थे कि भैया भ्रष्टाचारी आप हो या ना, लेकिन हम तो थे। ये इन्होंने इंडिविजुअली बताया कि हम तो थे, हमारा उजागर नहीं हुआ। रही बात ये पोस्टर वार की, तो राजनीतिक सूचिता के अंदर अगर इसको देखा जाए तो गठबंधन बनते हैं बिगड़ते हैं। राजनीति के अंदर बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, आज दुश्मन है तो कल दोस्त बनेगा, आज दोस्त है तो कल दुश्मन बनेगा। लेकिन इस प्रकार जो पोस्टर वार करके आप किसी को बिल्ली, किसी को शेर, किसी को चूहा, किसी को गिद्ध दर्शाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आप अपनी राजनीतिक नीचता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है। राजनीति के अंदर एक स्वस्थ छवि होनी चाहिए, नेताओं के अंदर एक तरह से ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि अगर कल मिले एक दूसरे से तो कम से कम ये नौबत ना आए कि आंखें ना मिला पाए उनसे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ इस चर्चा में सुभाष यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े थे, विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से, तारिक खान जी सपा से, अतीक खान जी सुभाषपा से, अरविंद जय तिलक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े थे, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी उलट पलट दिख रही है, काफी कुछ बदलाव दिख रहे हैं, जहां कभी दोस्त थे वो अब दुश्मन और दुश्मन कभी दोस्त बनते हुए हमेशा से दिखाई दिया, इस वक्त भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पोस्टर वॉर भी चल रही है, लोग अपने अपने मत भी रख रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टियों के नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो भाषा की मर्यादा है उसको ध्यान देना काफी जरूरी है। सभी को आने वाले चुनाव की तैयारियां करनी है, सभी कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये भी काफी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको बनाए रखना, भाषा की मर्यादा को बनाए रखना भी काफी जरूरी है, और इस बात का ध्यान सभी पार्टियों को देना भी होगा। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, अगली वीकेंड चर्चा में मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच